Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today's topic of electrical machine is necessity of a starter for DC motor. That is 3-point starter. सबसे पहले हमें ये पता करना है कि what do you mean by starter? Starter एक ऐसा device है जो कि किसी और device को चलाने के काम आता है, मतलब उसको start करने के लिए use होता है. And it's just for the पर्पस कि वो जो जिसको हमने स्टार्ट करना है वो एक जिसकी उसकी नॉर्मल वैल्यू है उस पे स्टार्ट हो सके. ठीक है, समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं अगर उसको बिना स्टार्टर के ही हम स्टार्ट कर दें या बिना किसी इंटरफेस के स्टार्ट कर दें तो वो ब्लो आउट हो जाते हैं या बर्न आउट हो जाती है चीज या उसमें डैमेज आ जाता है किसी तरह का. तो उसको सेफ लिमिट में स्टार्ट करने के लिए वी नीड अ स्टार्टर. ठीक है, अब बात आ गई डीसी मोटर को स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में पढ़ते हैं. वी नो दैट यहां से वी नो दैट द आर्मेचर करंट इज गिवन बाय द रिलेशन दिस. अब हमने एक बैक ईएमएफ का रिलेशन पढ़ा था लास्ट टॉपिक्स में जिसको हमने ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर. ये हमने लास्ट वीडियोस में ये जो है फॉर्मूला हमने लिखा था. ठीक है, अब हमने यहीं से आईए निकालना है तो आईए की वैल्यू एज पर दिस फॉर्मूला विल बी दिस. ये फॉर्मूला बनेगा आईए का, आर्मेचर करंट का. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या कहा है, व्हेन द मोटर इज एट रेस्ट, जब मोटर स्टार्ट नहीं हुई अभी अभी बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है उस टाइम पे द ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसकी बैक ईएमएफ होगी दैट इज जीरो. वो जीरो क्यों होगी, बिकॉज़ द बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्पीड ऑफ द मोटर. तो दैट मींस अगर एन जीरो है तो बैक ईएमएफ भी जीरो होगी, ये वाली टर्म जीरो हो गई. अब ये टर्म जीरो हुई तो क्या हुआ, इफ फुल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मोटर टर्मिनल. अब ये फुल वोल्टेज अगर हम डायरेक्ट इसको दे दें, वी डायरेक्ट मोटर को दे दें तो क्या होगा, द आर्मेचर विल ड्रॉ हैवी करंट. तो जो आई ए है वो बहुत हैवी हो जाएगा बिकॉज वी यहाँ पे ज्यादा है. ठीक है, वी बहुत ज्यादा 220 ऐसे देते हैं हम, 200, 220, 250. तो इससे जो आई ए बनेगा वो बहुत ज्यादा बनेगा बिकॉज द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज रिलेटिवली स्मॉल. बिकॉज ये जो आर ए है, जो आर्मेचर की अपनी रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है. दैट मीन्स अगर वो कम हुई तो आई ए की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और उससे क्या होगा, दिस हैवी स्टार्टिंग करंट हैज द फॉलोइंग इफेक्ट. उससे इफेक्ट पड़ेंगे मोटर को, कौन कौन से इफेक्ट पड़ेंगे, इट विल ब्लो आउट द फ्यूजेस. वेट जी, इट विल ब्लो आउट द फ्यूजेस एंड प्रायर टू दैट इट मे डैमेज द इंसुलेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग इफेक्ट. अब ये इसका मेन इफेक्ट है जो कि इसको खराब कर देगा. खराब क्या करेगा, कैसे करेगा, इट विल ब्लो आउट द फ्यूजेस. उसके जितने भी फ्यूजेस है मोटर के वो सारे ब्लो आउट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इट मे डैमेज द इंसुलेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. अब आर्मेचर वाइंडिंग को डायरेक्ट तो हम वोल्टेज दे देते हैं, अगर डायरेक्ट वोल्टेज आ गई मतलब करंट सीधा आर्मेचर वाइंडिंग के पास जाएगा तो उसकी जो इंसुलेशन है वो सारी डैमेज हो जाएगी. ठीक है, क्यों होगी, बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा करंट पास करेगा तो वो ब्लो आउट हो जाएंगी सारी. नेक्स्ट, एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप विल अकर इन द लाइंस टू विच मोटर इज कनेक्टेड. वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा, आई ज्यादा हो गया तो द ऑपरेशन ऑफ द अप्लायंसेस कनेक्टेड टू द सेम लाइन मे बी इम्पेयर्ड एंड इन सम केसेस दे मे रिफ्यूज टू वर्क. और जो भी इस मोटर के आगे शाफ्ट के आगे जो चीज भी लगी होगी, ठीक है, वो सारी की सारी खराब हो जाएंगी एंड इट मे रिफ्यूज टू वर्क, वो वर्क करना बंद कर देगी. तो ये सारा फैक्ट क्यों पड़ा, बिकॉज हमने जब डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई कर दी किसी भी मोटर को, डीसी को, तो उससे क्या हुआ, आई ए की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल आई आर्मेचर करंट की, और आई ए की वैल्यू ज्यादा हो गई तो सब कुछ खराब कर देगी वो. ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू अवॉइड दिस हैवी करंट एट स्टार्ट. ये बेसिक लाइन है, एट स्टार्ट, स्टार्ट में इसको अवॉइड करने के लिए क्या होगा, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर कॉल्ड अ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और स्टार्टर. एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे हम किसके साथ, आर्मेचर के साथ इन सीरीज, जिसको हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और इसको ही हम स्टार्टर का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्टार्टर इटसेल्फ. एंड दस आर्मेचर करंट इज लिमिटेड टू सेफ वैल्यू.
तो उससे क्या होगा, जो आईए है, जो आर्मेचर करंट है, वो सेफ वैल्यू में आ जाएगा। बट दिस नीड्स ओनली फॉर द स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, ये सिर्फ स्टार्ट पॉइंट के लिए होता है। उसके बाद जब स्पीड आ जाती है, उसकी स्पीड से बैक ईएमएफ आ जाती है, बैक ईएमएफ अपने आप ही इसको कंट्रोल कर लेता है, मतलब अपने आप जो आईए है उसकी वैल्यू को एक सेफ वैल्यू में रखता है, ठीक है। वंस द मोटर पिक्स अप द स्पीड, एक बार मोटर की स्पीड आ जाए, द ईएमएफ इज बिल्ट अप एंड रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। जो ईएमएफ है वो बिल्ट अप होने लग जाती है, जो ये रेजिस्टेंस हम स्टार्टर में लगाएंगे ये अपने आप रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। द होल ऑफ द रेजिस्टेंस इज टेकन आउट ऑफ द सर्किट व्हेन द मोटर अटेन्स नॉर्मल स्पीड। और ये जो रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जिसको हमने स्टार्टर बोला था, ये है क्या, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है। जब नॉर्मल स्पीड पे अपनी मोटर पहुंच जाती है तो उसको ये जो रेजिस्टेंस है इसको कट ऑफ कर दिया जाता है, मतलब ये पूरी की पूरी जीरो कर दी जाती है, ताकि इसका इफेक्ट जो है वो मोटर पे ना पड़े, उसके बाद सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए पड़े, दैट्स इट। उसको सेफ वैल्यू में स्टार्ट करके इसको हम रेजिस्टेंस को कट ऑफ कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ स्टार्टर इज दैट इट कंटेन्स द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस सच एज ओवरलोड प्रोटेक्शन कॉइल which provide necessary protection to the motor against overloading. अब इसमें दो तरह की coils होती है वैसे तो, basically एक होती 9 volt release coil, के पीछे से अगर voltage कम आ जाए तो ये अपने आप मोटर को बंद कर देती है। दूसरा ये overload protection coil भी इसमें लगी होती है, जो कि ज्यादा voltage पीछे से आ जाए तो तब भी ये जो है इसको मोटर को, स्टार्टर जो है वो कट ऑफ हो जाता है और वो मोटर को सेफ रखती है, ठीक है। तो इट इज हैविंग अनदर मोर फीचर्स, ठीक है, दो coils होती है, 9 volt coil एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन कॉइल, जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम। तो ये हो गया हमारा नेसेसिटी ऑफ अ स्टार्टर की, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, इससे होगा क्या अगर हम स्टार्टर नहीं यूज करते, अगर स्टार्टर यूज करेंगे तो क्या होगा, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट है 3 point शंट मोटर स्टार्टर, और ये स्टार्टर जो है हमारे राइट साइड में एक डायग्राम बना है, ये स्टार्टर का इंटरनल डायग्राम है, पहले इसको समझते हैं। 3 point shunt starter क्यों कहा गया इसको, because it is having 3 points, ये इसके 3 points है, L, F and A। जो L है that is a line, मतलब वो line के साथ जहां से हम DC supply देंगे उसके साथ connected होगा, जो F है वो field winding के साथ connect होगा, और जो A है वो armature winding के साथ connect होगा। ये basically shunt motor के लिए use होता है, ठीक है, तीनों के अपने अपने points है। और इसके ऊपर देखिए ये एक रेजिस्टेंस लगी है जिसके बारे में हमने बात करनी है, ये सीरीज में लगी है विद द आर्मेचर। ये एक पॉइंट इसका देखिए कहाँ जा रहा है, ये यहां से पहले एक कॉइल की तरफ, कॉइल जब कॉइल से होती हुई फील्ड वाइंडिंग की तरफ, ठीक है, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो देखिए कहाँ जा रहा है, इन द आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। दैट मीन्स ये, इसके बारे में मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये आप साथ में बना लीजिए, इसकी इसके बिना जो है वो ये स्टार्टर कंप्लीट नहीं होगा। ए 3 point स्टार्टर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यूज्ड टू स्टार्टिंग एज वेल एज मेंटेनिंग द डीसी शंट मोटर स्पीड, स्टार्ट करने के लिए और उसकी जो मोटर स्पीड है वो ओवरलोड ना हो जाए उसको ये मेंटेन करने के लिए यूज होता है। द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज इन सीरीज विच डिक्रीजेस द इनिशियल हाई करंट एंड गार्ड्स इक्विपमेंट अगेंस्ट एनी इलेक्ट्रिकल फेलियर्स। जो ये इसकी रेजिस्टेंस है, जो ये बेसिकली स्टड्स में इसको डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे पार्ट्स में टैपिंग की गई है इसकी, ठीक है जी। और ये देखिए बेसिकली ये लाइन यहाँ से आ रही है, लाइन करंट आ रहा है, ये एक स्प्रिंग से होता हुआ, ये स्प्रिंग लगा है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे अटैच होगा, जब यहाँ पे अटैच होगा एक नंबर पे क्या होगा, पूरी रेजिस्टेंस मिलेगी किसको, आर्मेचर को, मतलब आर्मेचर में करंट जो है वो लिमिटेड वैल्यू में पास करेगा। जैसे ही ये स्टार्ट कर देगा उस करंट, थोड़े से करंट से हम इस स्टड को आगे ले जाएंगे, मतलब इस जो ये जो हैंडल है इसको हम आगे ले जाएंगे और रन पोजीशन पे लाके छोड़ देंगे। जब रन पे आ जाएगा पूरी कट ऑफ हो गई रेजिस्टेंस, तो उससे क्या है फुल स्पीड से ये चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो आगे मैं आपको समझाता हूँ। Here the occurrence of back EMF plays an essential role in operating the motor. और जो main importance है इसमें वो है back EMF की, back EMF इसमें बहुत important play role करता है, role play करता है, ठीक है, वो कैसे करता है आगे बढ़ते हैं। The EMF extends when the armature of motor starts for rotating in the magnetic field by making the action as well as opposes the voltage supply. और वो कह रहे हैं कि EMF बढ़ जाती है जब ये motor start हो जाती है, but तब तक हमें इसको safe रखना है, ठीक है, तब तक हमें जो करंट इसमें से फ्लो करेगा आर्मेचर में से वो हमने लिमिटेड रखना है, तो
तो उसके बाद सारा कुछ जो है वो बैक ईएमएफ संभाल लेती है. वो कहते हैं इट विल एक्सटेंड, इट विल इंक्रीज व्हेन द आर्मेचर स्टार्ट्स फॉर रोटेटिंग. जब आर्मेचर घूमना शुरू हो जाता है ईएमएफ बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे क्या होगा ये अपने आप कंट्रोल कर लेगा आर्मेचर करंट को. आगे चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर. कंस्ट्रक्शन क्या है, द डीसी मोटर बेस्ड 3 पॉइंट स्टार्टर मेनली इंक्लूड्स 3 टर्मिनल्स. अब ये 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों नाम दिया गया इसे, बिकॉज इट इज हैविंग 3 टर्मिनल्स. कौन कौन से है, एल ए एंड एफ, याद रखना है ये रहे 1, 2 एंड 3, ठीक है. एल क्या है, दैट इज अ लाइन टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव सप्लाई. जो एल है वो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है. ए इज कनेक्टेड टू द वाइंडिंग्स ऑफ आर्मेचर टर्मिनल. जो ए है वो हमने आर्मेचर के टर्मिनल से वाउंड की है या मोटर के आर्मेचर पॉइंट्स पे. एंड एफ फील्ड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू वाइंडिंग ऑफ फील्ड टर्मिनल. बेसिकली ये जो एफ है ये फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है F1, F2 से, राइट. अब ये तो हो गया इस स्टार्टर के बारे में. अब आगे क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर इंक्लूड्स अ रेजिस्टेंस आर. ये एक आर रेजिस्टेंस लगी है, सीरीज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग द इनिशियल करंट. सिर्फ स्टार्टिंग में इसको इनिशियल करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. एच, इसमें एक हैंडल लगा है, दिस इज एन एच, ठीक है. इन द सर्किट कैप्ट इन ऑफ कंडीशन विद द स्प्रिंग एस. ये अभी तक एक स्प्रिंग की हेल्प से, ये एक स्प्रिंग लगा है इसकी हेल्प से इसको अभी ऑफ पोजिशन में रखा गया है, ठीक है. स्टार्टिंग में दिस इज अ हैंडल, दिस इज अ स्प्रिंग, ये ओवरलोड रिलीज कॉइल है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. ये 9 वोल्ट कॉइल है, ये भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. अभी फिलहाल आपने ये चीजें बनानी है, एक हैंडल हो गया, एक स्प्रिंग हो गया, एक रेजिस्टेंस होगी. इसका जो कनेक्शन है वो आप देख लीजिए कैसे किया हुआ है, मैं आपको अभी बता देता हूँ. द हैंडल कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली फॉर मोटर ऑपरेशन. अब जो हैंडल है वो मैनुअली ऑपरेटेड होता है, मतलब उसको कोई ना कोई चलाने के लिए रखा होता है, ठीक है, वो मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ द मोटर पोजिशन द मोटर फील्ड वाइंडिंग गेट्स द टोटल सप्लाई वोल्टेज. अब वो कह रहे हैं जब हम इसकी, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं जी. जब हम ये देखिए, जब हम ये ऑफ पोजीशन पे है तब तो मोटर स्टार्ट नहीं है, पर जब जैसे ही हम इसको स्टार्टिंग पोजीशन में ले आते हैं 1 पॉइंट पे, ठीक है, क्या होगा, ये जो है लाइन, ये पीछे से लाइन आ रही है ना, लाइन करंट आ रहा है, ये स्प्रिंग से होते हुए, ये सॉफ्ट आयरन पीस से होते हुए यहां पहुंचेगा. अब यहां पहुंचेगा तो यहां से 2 वायर निकलती है, एक रेजिस्टेंस की तरफ, एक ये पीछे से निकल रही है. जो पीछे से निकल रही है, जो जिसको हम ब्रिज वायर भी बोलते हैं, ये डायरेक्ट जा रही है इस कॉइल से होते हुए फील्ड की तरफ. दैट मींस यहां से जो स्टार्टिंग करंट है वो सारा का सारा, यहां से सारा का सारा फील्ड वाइंडिंग को मिल रहा है. फील्ड वाइंडिंग को मिलेगा तो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है. और द आर्मेचर करंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सिक्योर वैल्यू बाय द रेजिस्टेंस. और यहाँ से जो दूसरी तरफ, ये जो दूसरी तरफ जा रहा था इस हैंडल से करंट, वो रेजिस्टेंस से होते हुए, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से होते हुए आगे आर्मेचर की तरफ जा रहा है. तो आर्मेचर के बीच में रेजिस्टेंस आ गई, फील्ड वाइंडिंग के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो डायरेक्ट ब्रिज से ऊपर से उसको करंट पास हो गया. दैट मीन्स आर्मेचर को करंट कम पहुंचा, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको करंट मिल गया, ठीक है. अब क्या हुआ, द हैंडल ऑफ द 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन स्टड टू अनदर स्टड. ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये सारे स्टड होते हैं, ठीक है. इसको मतलब एक एक करके आगे 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 लेके जाते हैं हम, ठीक है, ये स्टड कहते हैं इसको. अब वो कह रहा है कि जो हैंडल है दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन स्टड टू अनदर स्टड. ये स्टड टू स्टड वेरी करते हैं, मतलब एक स्टड से दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ पे, ऐसे हम लेके जा सकते हैं इसको. एंड दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर टिल गेट्स द रन पोजीशन. और इससे क्या होगा, जैसे जैसे इसको हम आगे लेके जाएंगे, सबसे पहले एक पोजीशन पे रेजिस्टेंस काफी है, ठीक है, तो करंट लिमिटेड होगा. फिर इसको जब 2 नंबर पे लेके जाएंगे हैंडल को, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जिससे करंट बढ़ जाएगा. फिर 3 पे लेके जाएंगे और बढ़ जाएगी. फिर 4 पे लेके जाएंगे थोड़ा और बढ़ जाएगी. फिर 5 पे लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस और हो गई. जब इसको पूरा रन पोजीशन पे ले आएंगे तो रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है. अब मतलब रेजिस्टेंस कम होती जा रही है विद द इंक्रीज इन स्टड्स, ठीक है. जैसे जैसे हैंडल को आगे करते जाएंगे, इंक्रीज जो रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं, वो उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है. जैसे मान लो ये 3 पे है हैंडल, अभी ये मैंने हैंडल लगा दिया, अब क्या होगा, लाइन करंट इधर से आया 3 से होता हुआ रन तक, यहां तक उसकी रेजिस्टेंस मिली. बट अगर एक पोजीशन पे होता तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलनी थी इसको, ठीक है.
तो अकॉर्डिंग टू दैट जैसे जैसे स्टड बढ़ेंगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी. ठीक. अब देर आर थ्री मेन पॉइंट्स आर कंसिडर्ड इन दिस पोजिशन विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग. अब जब वो रन पोजिशन पे आ जाता है, यहाँ पे ये रन पोजिशन है इसकी, जब हैंडल रन पोजिशन पे आ जाता है तो क्या होता है, तीन चीजें होती हैं. द डीसी शंट मोटर गेट्स द फुल स्पीड, डीसी शंट मोटर को फुल स्पीड मिल जाती है. द वोल्टेज सप्लाई इन द सर्किट इज स्ट्रेट अक्रॉस द बोथ द मोटर वाइंडिंग. और जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, जो पीछे से लाइन आ रही है, लाइन वोल्टेज आ रही है, वो डायरेक्ट दोनों को, एक तो इसको फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है, और एक आर्मेचर वाइंडिंग को, ये दोनों को प्रॉपर मिल जाती है. ठीक है. नेक्स्ट द रेजिस्टेंस इज टोटली कट आउट. जो रेजिस्टेंस है वो टोटली कट आउट हो जाती है. राइट. तो ये सारा कट आउट हो जाएगा जब ये रन पोजीशन पे आएगा. तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग स्टार्ट हो जाती है बेसिकली यहां से. आगे चलते हैं. द हैंडल इन दिस सर्किट इज हेल्ड इन रन कंडीशन विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टेटेंड बाय द एनवीसी दैट इज कॉल्ड नो वोल्ट ट्रिप कॉइल और नो वोल्ट रिलीज कॉइल. अब बेसिकली वो कह रहा है जो हैंडल है वो यहां पे फिक्स हो जाता है इस पोजीशन में, जो इसका ये ब्लैक वाला है पीस, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा. ये कैसे होगा, बिकॉज जब यहां से करंट पास करेगा इस कॉइल में से, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब यहां से करंट पास करेगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. जब मैग्नेट की तरह करेगी तो ये सॉफ्ट आयरन पीस है, सॉफ्ट आयरन पीस को ये क्या करेगी, कैचअप कर लेगी, और तब तक कैचअप करती रहेगी जब तक ये इसमें से करंट पास हो रहा है. दैट मीन्स ये एक यहाँ पे हैंडल को रन पोजिशन में लाए और रन पोजिशन में फिक्स हो गया, ये ऐसे ही हो गया, और तब तक रहेगा जब तक उस हैंड उस कॉइल में से जो है वो करंट पास कर रहा है. ठीक है. The NVC, NVC no volt coil can be coupled in series with the motor field winding. और ये जो ये no volt coil है, ये field winding के साथ connected है. मतलब जब तक यहाँ पे current pass कर रहा है, तब तक जो है हमें इसको energize किया हुआ और ये magnetize होके as a magnet बन जाएगी, जो कि उस iron piece को attract करके रखेगी. ठीक है. In the incident turned off or dropped below a fixed value, then the NVC will get energized. By the act of spring, the handle is okay. यहाँ पे de-energized आना था, ये आप थोड़ा सा change कर लीजिए. इसमें क्या किया है कि जैसे ही पीछे से कोई line supply turned off हो गई, पीछे से line supply यानी बंद हो गई, और या एक particular value से गिर गई या एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो गई, तो क्या होगा, दिस नो वोल्ट कॉइल विल गेट डी एनर्जाइज्ड. ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, जिससे डी मैग्नेटाइज हो गया. डी मैग्नेटाइज हो गया तो ये क्या करेगा, आयरन पीस को रिलीज कर देगा और ये स्प्रिंग जो है इसको वापस अपनी पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे ले आएगा. ठीक है. ये इसका वर्किंग है, स्टार्टिंग वर्किंग. ठीक है. आगे चलते हैं. अब इसकी डिटेल में एक बात की हुई है, देखिए स्टार्टिंग में यहां से पढ़ना हमने. First of all, the main switch is closed with the starting lever resting in off position. सबसे पहले ये main switch off है, ठीक है, और ये off position पे है और पीछे से कोई supply नहीं आ रही है. The handle is then turned clockwise to the first stud. उसके बाद इसको थोड़ा सा clockwise first stud के पास ले आए, तो क्या हो गया? As soon as it comes in contact with the first stud, ये जब first stud पे contact करेगा क्या होगा? Whole of the starting resistance is inserted in series with the armature. ये पूरी रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है ये आर्मेचर के साथ पड़ जाएगा, क्योंकि ये आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. एंड द फील्ड वाइंडिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई थ्रू ब्रास स्ट्रिप और कॉपर वायर. और ये जो है, जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई जो फील्ड वाइंडिंग को जा रही है, जो पीछे से कॉपर वायर लगी है, ये इसको सप्लाई पूरी की पूरी दे देगी फील्ड वाइंडिंग को. एज द हैंडल इज टर्न्ड फर्दर, जैसे जैसे हैंडल को आगे लेके जाएंगे, द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज कट आउट ऑफ द आर्मेचर सर्किट इन स्टेप्स. And finally, entire starting resistance is cut out of the armature circuit. जैसे जैसे इसको आगे लेके जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से run, तो ये जो resistance है ये cut off होनी शुरू हो जाती है और current जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. ठीक है. आगे आगे बहुत important है ये point. No volt release coil का काम. No volt release coil होती क्या है and its function, इसके बारे में पढ़ते हैं. A no volt coil is a small electromagnet having many turns of a fine wire. Basically, ये एक electromagnet है जिसको जब हम कोई wire के साथ wound करेंगे तो क्या होगा? ये जब उसमें से current pass करेंगे तो magnet की तरह काम करेगी. ठीक है?
इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग एंड देयरफॉर कैरीज अ स्मॉल फील्ड करंट, और इसमें से करंट बहुत कम पास करेगा बिकॉज जो फील्ड वाइंडिंग है वो हमेशा और शंट में है और जो ISH होता है वो बहुत कम होता है. When the handle is turned to on position, जब ये हैंडल को ऑन पोजीशन में ले आते हैं, द नो वोल्ट कॉइल इज मैग्नेटाइज्ड बाय द फील्ड करंट एंड होल्ड्स द स्टार्टिंग लीवर एट ऑन पोजीशन. जब ये इसको इसमें से ये इसको रन पोजीशन में ले आते हैं, ऑन की जगह रन लिख लीजिए, तो क्या होगा, इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो क्या करेगा, यहां से इसको मैग्नेटाइज करेगा और ये उसको पकड़ के रखेगा. इट विल होल्ड द ब्रास हैंडल. In case of failure or disconnection of supply, this coil is demagnetized and the lever comes to off position due to spring tension. जैसे ही पीछे से सप्लाई बंद होगी या कम होगी, क्या होगा, ये स्प्रिंग टेंशन की वजह से, ये जो स्प्रिंग है इसमें टेंशन लग जाती है, मतलब ये फोर्सफुली इधर जाता है. जब जैसे ही वो रिलीज डीमैग्नेटाइज होती है, ये वापस अपनी पोजीशन में उसको ले जाता है ऑफ पोजीशन में हैंडल को. ठीक है. सो द मोटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई. If the spring with no volt coil is not used, अगर ये spring नहीं use करते हैं, the lever would remain in run position in case of supply failure. ये spring की वजह से ये वापस आ जाता है. अगर spring नहीं use करते हैं तो वहां का वहीं रहेगा. ठीक है, because वहां जो है वो उसका bar उधर ही पड़ा होता है, but spring उसको वापस इधर की तरफ ले आता है. ठीक है, आगे है overload release coil. ओवरलोड रिलीज कॉइल क्या होता है. अब ये एक ओवरलोड रिलीज कॉइल लगी है, इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा था, अब पढ़ते हैं. ये देखिए, ये भी एक एन ओवरलोड रिलीज कॉइल इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक वायर. अब इसमें एक थिक वायर लगी है और ये नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ थिक वायर्स लगी होती है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है. जैसे ही लाइन करंट इसमें से पास करता है, ये इस लीवर को नॉर्मल, अभी इसमें से नॉर्मल करंट पास करेगा. ठीक है, मोटी वायर है. ठीक है, तो करंट पास कर रहा है, नॉर्मली ये काम चल रहा है. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मोटर एंड कैरीज द लाइन करंट. अब ये मोटर के साथ कनेक्टेड है लाइन करंट के साथ, मतलब इट इज कनेक्टेड विद द डीसी सप्लाई. ठीक है, व्हेन द मोटर इज ओवरलोडेड और शॉर्ट सर्किट. जैसे ही मोटर ओवरलोड होगी या शॉर्ट सर्किट होगी, कि ज्यादा करंट खींचने लगेगी, क्या होगा, ए हैवी करंट मोर देन द प्री डिटरमाइंड वैल्यू विल फ्लो थ्रू इट. यहां से ज्यादा करंट पास करेगा, जैसे ही करंट ज्यादा पास करेगा, ये क्या होगा, द ट्रायंगुलर आयरन पीस इज लिफ्टेड. ये पीस ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इसको खींचा जाएगा, मतलब ये मैग्नेट बन जाएगा. ये मैग्नेट बनेगी तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा. जैसे ही ये ऊपर जाएगा, इन दो पॉइंट्स को शॉर्ट कर देगा. ये जो दो डॉटेड पॉइंट्स है इसके ऊपर, ट्रायंगुलर पीस के ऊपर, ये शॉर्ट हो जाएंगे. ये शॉर्ट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो नो वोल्ट कॉइल है इसको डीमैग्नेटाइज कर दिया जाएगा. बिकॉज ये शॉर्ट हो गया तो क्या हो गया, यहां से करंट पास करना बंद हो गया. ठीक है, एंड क्या होगा, हेंस द ट्रायंगुलर आयरन पीस इज लिफ्टेड एंड शॉर्ट सर्किट्स द नो वोल्ट कॉइल. हेंस द स्टार्टिंग लीवर इज रिलीज एंड पुल्ड बैक टू ऑफ पोजिशन ड्यू टू स्प्रिंग टेंशन. जैसे ही इसको शॉर्ट किया जाएगा, ये डीमैग्नेटाइज होगी नो वोल्ट कॉइल, और क्या होगा, ये वापस अपनी पोजिशन पे आ जाएगा. बट ये कब होगा, जब ये ओवरलोड होगी, मतलब मोटर पे लोड ज्यादा डाल दिया या पीछे से शॉर्ट या ये या कोई शॉर्ट हो गई इसमें से. ठीक है, तो क्या होगा, ये अपने आप डिस्कनेक्टेड हो जाएगी मोटर जो है फ्रॉम द सप्लाई, जो कि ओवरलोडिंग से बच जाएगी और ये बर्न आउट होने से बच जाती है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डीसी मोटर स्टार्टर, क्यों जरूरत पड़ती है, नेसेसिटी क्या है. अगर क्वेश्चन नेसेसिटी क्या आया तो नेसेसिटी के बारे में बताएंगे और क्या उसका सोल्यूशन है वो बताएंगे. अगर 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में आया 10 मार्क्स में क्वेश्चन, तो उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और ये डायग्राम जरूर बनाना है. इसके बारे में जो नहीं समझ आएगा आप पूछ सकते हैं इन द ऑनलाइन सेशन. थैंक यू.